यस हेडिंग डालिए प्रोग्रेशन एपी जीपी एचपी स्पेशल एपी एंड अर्थमेटिको एजी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके एप्लीकेशंस आपको पूरी मैथ्स में मिलने वाले हैं। क्विक रिवीजन करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि समझ में आ जाए। टॉपिक टफ नहीं है, बस क्वेश्चंस में क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो समझना है और ऑप्शन से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें, जब प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन मतलब कोई सीरीज़ की बात कर रहे हैं। अब सीरीज़ में कई बार क्या होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती है। जैसे मैंने लिखा सपोज 3, 5, 7, तो आपको दिख रहा है इसमें डिफरेंस 2 का है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए अपन थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। 1, 3 फिर मान लो 9, 27, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है पर मल्टीप्लाई सेम है। 3 का मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, या 2, 6, 18 है ना, या मान लो 1/3, 1/5, 1/7। अब इसमें ना डिफरेंस सेम है ना मल्टीप्लाई, पर इसका रेसिप्रोकल करो तो डिफरेंसेस सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होते हैं तो हम बोलते हैं एपी, जब मल्टीपल सेम होते हैं तो हम बोलते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब रेसिप्रोकल सेम होते हैं तो हम बोलते हैं एचपी। यस और नो? तो अब हम एक साथ इसके कंसेप्ट बनाते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इफ़, समझना आप जरा ध्यान से, इफ़ A1, A2, A3, A4 up to AN ये कोई सीरीज है। मान लीजिए केस नंबर 1, आर इन AP, ये एपी में है तो कैसे पता चलेगा? यही सीरीज का कोई भी डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम, यानी A2 - A1 और A3 - A2 या A4 - ये सब डिफरेंसेस कैसे होंगे? सेम। और इस सेम डिफरेंस सेम होते हैं इसलिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंसेस आर सेम और डिनोटेड बाय डी। अगर यही चीज मान लो ऐसा होता A2 by A1, A3 by A2 कंबाइन करके पढ़ाऊंगा A4 by A3 ऐसा होता, अगर रेशो सेम होते तो हम बोलते जीपी और इस रेशो को हम कॉमन रेशो बोलते हैं और यहां होता जीपी। और अगर हम थर्ड बात करें कि अगर ये ऐसा होता आर इन एचपी तो हम बोलते 1/A2 - 1 इक्वल टू क्या 1/A3 - 1 या 1/A4 - 1, यानी डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम, देन सीरीज इज कॉल्ड एचपी। तो बेसिक लॉजिक ये है कि अगर हम कभी बात करेंगे एपी की डिफरेंसेस सेम होंगे, जीपी की जब बात करेंगे तो रेशियो सेम होंगे और एचपी की बात करेंगे तो डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल सेम होंगे। ये क्लियर है बात? तो अगर इन जनरल एपी की बात करें, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एपी स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी एपी अगर आपको फॉर्म करनी है तो बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं आप। कैसे? कि सिंपल आप ये बोलेंगे कि वही मैंने जो लिखा हुआ है A2 - A1, A3 - A1। अब एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एपी की, तो सपोज फर्स्ट टर्म है ए, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? A+D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड होता है। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A+2D या A+3D, ऐसे ही होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड में क्या है? 2। लॉजिक से देखो तो 3 फैक्टर है, 2 times D और 1 time A। फोर्थ टर्म, तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 10th term, तो आप बोलते A+100th term। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर nth टर्म बोला जाए तो A+, दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म। ये पहला फॉर्मूला हुआ nth टर्म ऑफ एन AP। फॉर्मूला नंबर 1 आया nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A+N - 1 × D। जब भी आप रिवीजन करो किसी टॉपिक का, बुक ओपन मत करो। बुक कब ओपन करना है? जब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर जब क्वेश्चन पे आएंगे जब मैं बुक्स लूंगा। और बुक में भी क्या, रिवीजन के समय प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पे ही फोकस करो। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं, जो एग्जाम दे रहे हो आप, उन्हीं के क्वेश्चन करो बस क्विकली। पहले एक बार रिवीजन करो बिना बुक ओपन किए, फिर देखो कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। जो चीज़ मिसिंग है उसका उसको बुक खोल के पढ़ो। हर बार ये होता नहीं तो हम वो पढ़ने लगते हैं जो आता है और फिर आगे बढ़ो। तो ये क्लियर है फॉर्मूला? इसको लास्ट टर्म या एनेट टर्म से डिनोट करते हैं। कुछ बुक में ये स्मॉल एन भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब टर्म की बात है। यहाँ पर 4 अननोन है, क्या क्या? A, N, D और लास्ट टर्म। 3 गिवन होंगे, 4th पूछेंगे, राइट?
जैसे अब इसके क्वेश्चंस भी करते हैं, पर एक बार जरा फॉर्मूले लिख लें एपी के। नेक्स्ट लिखिए सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। अब बात कर रहा हूं सम की, कि सम कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। कई बार हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एन बाय टू ए प्लस एल, एन बाय टू ए प्लस एल। ओके, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं, लिख लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन 3, 7, 11, 15। सपोज मैं आपसे बोलूं कि फाइंड 29 टर्म, तो क्या करेंगे, सिंपल ए प्लस, बेसिक से ही पढ़िए, रिवीजन हमेशा बेसिक से करना चाहिए, इनटू 4, यानी 3 + 28 इनटू 4, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, 115, यस और नो। और अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड सम ऑफ 28 टर्म, तो क्या करते, सिंपल 28/2, 2 इंटू ए, क्वेश्चन जो आएंगे क्वांटिटी वो भी आते होंगे, 28 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, सॉल्व कर लीजिए, यस और नो। कई बार आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो बताता हूँ, एक कॉम्पिटिटिव का एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, राइट डाउन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर इफ नंबर डिविजिबल बाय, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो अक्सर ये परम्यूटेशन में भी मिलता है और प्रोग्रेशन में भी मिलता है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर नंबर डिविजिबल बाय, सपोज 7, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर नंबर डिविजिबल बाय 7, टू डिजिट के वो नंबर बताने जो 7 से डिवाइड होते हो, तब एक बात बताइए, टू डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड होते हो, इसका मतलब पहले तो टू डिजिट का लिस्ट नंबर 10, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर इसके बड़े क्वेश्चन की ट्रिक, बड़ा नंबर 99, यस और नो। इनमें वो नंबर लेने जो कि 7 से डिवाइड होते हो, इस मीन्स कि फर्स्ट नंबर लाइक 14, 21, 28 up to 98, करना ऐसे नहीं है एग्जाम में। अब इसमें आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, डी 7 है, तो 98 इक्वल टू 7 प्लस 7 एन, क्यों, देन 91 इक्वल टू 7 एन, देन एन इक्वल टू 13, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक समझाऊं, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर, या चलो पहले थ्री डिजिट करते हैं फिर आते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट टाइप है कॉम्पिटेटिव हिसाब से, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर नंबर डिविजिबल बाय सपोज 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर नंबर डिविजिबल बाय 13। अब आपको पता है कि थ्री डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर क्या होता है, 100, और सबसे बड़ा, इनमें वो नंबर निकाल लें जो कि 13 से डिवाइड होते हों। कभी कभी नंबर भी पूछ सकते हैं, कभी कभी इनका सम भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, फाइंड सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो आपको क्या करना पड़ता, सम निकालने के लिए एक चीज हमेशा लगती है बेटा, क्या, नंबर ऑफ टर्म, बिना उसके कभी भी नहीं हो सकता। तो सम पूछा तो भी नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, और नंबर ऑफ टर्म पूछा तो बात ही नहीं है। तो मान लो इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे सम ऑफ नंबर पूछा होता, तो क्या करते, बोलिए 13/2, 2 × 14 प्लस 13 − 1 × d 7, राइट, या एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बताओ कौन सा, 13/2, क्योंकि लास्ट टर्म पता है, यस और नो। अभी जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, पर मैं इस क्वेश्चन को सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती थी, फाइंड सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, तो भी आपको क्या निकालना होता,
नंबर ऑफ टर्म निकालना होता। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने में अगर हम मेथड से जाते हैं तो टाइम लगता है, तो इसकी हम एक शॉर्ट टेक्निक सीखते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म निकालने में आपको एक तो पहला नंबर निकालना होता है फर्स्ट, फिर लास्ट नंबर निकालना होता है ना। अभी आप इसमें वैसे बता सकते हो, आपको पता 13 के टेबल से 104, 117, ठीक है, पर उसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है। 3 डिजिट था बता दिया, यही क्वेश्चन 5 डिजिट होता, 11 डिजिट होता तो कैसे बता करते हैं फर्स्ट टर्म कौन सा है। तो आपके पास उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या है वो समझो, क्या टेक्निक है वो। हाँ, 100 में अगर मैं 7 का 13 का डिवाइड करूं तो 13 7 91, राइट, तो 9 शुड बी रिमाइंडर। अब आपको हमेशा याद रखना है कि आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए या प्रीवियस। नेक्स्ट के लिए रूल है डिवीजन माइनस रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो डिवीजन माइनस रिमाइंडर करा तो 13 माइनस 9 कितना 4 ऐड कर दिया। और प्रीवियस चाहिए होता तो डायरेक्ट रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर देते, जैसे उसमें प्रीवियस चाहिए होगा। इसमें कौन सा लगेगा आपको, ये वाला या ये वाला? प्रीवियस वाला। तो आप पहले तो 999 में क्या करते, डिवाइडेड बाय 13 करते, तो कितना 13 7 91, 78, तो कितना बचता, तो मिलता आपको कितना 11। अब आपको कौन सा नंबर चाहिए, प्रीवियस, तो प्रीवियस नंबर मतलब 11 सबट्रैक्ट कर दो तो 988। ये इसकी टेक्निक्स होती है, क्लियर है बात। एग्जाम में आपको ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, वो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, पर ट्रिक के पहले जीवन में हमेशा याद रखो जब तक कंसेप्ट नहीं होंगे ट्रिक बेकार है, ये क्लियर। अब आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 988 इक्वल टू बोलो 104 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 13, तो 988 इक्वल टू 91 प्लस 39, ये इससे सबट्रैक्ट हो गया, क्लियर। तो आप बोलो कितना जाएगा 897 इक्वल टू 13n, तो n इक्वल टू बोलो 897 अपॉन 36 जा 78, 11 39 जा कितना आ गया 69, राइट। अब अगर इसमें मान लो सम पूछा होता तो आप निकाल सकते थे 69 का, 69 बाय 2, 2 इंटू ए प्लस 69 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, या फिर अगर लास्ट टर्म पता है तो ऑब्वियसली आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो हुई कंप्लीटली मेथड। अब इसकी अगर हम टेक्निक पे बात करें, क्योंकि इसमें हमें टाइम लग जाता है, तो हम इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं वो बात करते हैं, क्लियर है बात, कि हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा अच्छे से कि शॉर्ट में करने की बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक्स हैं, कि जब आप नंबर में, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 999 में 13 का डिवाइड करिए, तो आप बोलते हैं, या एक छोटा सा एग्जांपल से समझना, कि अगर मैं कभी भी बोलूं कि 50/7, तो आप बोलते हो 7 point something। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंट है कि 1 से 50 में 7 नंबर के अगर हम टोटल टेबल्स को मल्टीप्लाई करें या फैक्टर निकालें तो कितने होंगे 7, कौन कौन से 7 14 21, लाइक दिस। अगर मैं आपसे बोलूं कि 200/8 कर दो, राइट, तो आपने कहा 225, मतलब 1 से 200 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे 25। मान लो मैं 100/ आपसे बोलूं 7 करो, तो आपने कहा 7 7 14 पॉइंट समथिंग, तो 1 से 100 में 14 होंगे। तो हमेशा काउंटिंग कहाँ से होती है स्टार्ट, काउंटिंग हमेशा कहाँ से होती है, 1 से ही होती है, याद रखना, और कहीं से नहीं होती। तो अगर काउंटिंग 1 से होती, इन द सेंस ये हुआ कि आपको एक सिंपल सा लॉजिक ये समझना है यहाँ पर, कि अगर मैं 999 में 13 का डिवाइड कर दूं, तो बोलो 13 7 91 8 76 पॉइंट, हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, पर ये कहां से बताया इसने, इसने बताया 1 से, है ना। पर आपको कहां तक के नहीं लेने, आपको स्टार्ट कहां से करने थे 100 से, तो कहां तक के नहीं लेने, तो 99 में भी आप 13 का डिवाइड कर दो, जरूरत नहीं डिवाइड दोबारा करने की, क्योंकि आप ऑलरेडी 999 कर चुके, तो 7 आएगा 7 point something। तो ये कहाँ से, 1 से। तो अब आप एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक 76 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितने हो गए 76 माइनस 7 इक्वल टू 69।
69। तो इस टेक्निक से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो विद इन अ सेकेंड, ये तो बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना मेथड से टाइम लगेगा और आप लॉजिक से करोगे तो उतने कम टाइम में करोगे। तो सपोज अगर आपसे मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर, अभी लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सपोज 17। हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन है हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 17, 17 से कैसे डिवाइड होगा। अब आप क्या करेंगे यहां पर, सिंपली आप यहां पर क्या करोगे बेटा, सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 कहां से स्टार्ट करना है, यस और नो, कहां तक नहीं लेना है, फाइव डिजिट तक, कहां से, वन से फाइव डिजिट तक नहीं लेना है, आपके काम का वही है। अब आप टेक्निक देखो कि आप सिंगल स्टेप में कैसे निकालते हो, जिस क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट 4-5 मिनट ले रहा है, 4-5 स्टेप ले रहा, आप एक सिंगल स्टेप में करोगे, क्या करोगे, 99999 डिवाइडेड बाय 17, यस और नो, 17 5 जा 85 14, 17 8 जा 136 13, 17 8 जा 136 3, 17 2 जा 34, कितना आया 0. समथिंग है, हमें इंटीग्रल पार्ट से मतलब है, 5882। डिवीजन की भी टेक्निक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इसमें डिवाइड मत करना, क्यों, क्योंकि वो 5 डिजिट है, इसमें एक डिजिट कम है, तो आप इसका भी एक कम कर दो, तो इसका 588 होगा। अच्छा ये 5 डिजिट ले लिया तो 6 डिजिट, चलो अभी इसको 5 डिजिट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 डिजिट के बाद निकाल लेते हैं, फिर कर लेंगे। तो ये मान लो 4 डिजिट हो गया, तो यहां पर आपको 4 डिजिट का माइनस करना है, तो 4 डिजिट का माइनस करना, तो ये जो डिवीजन है इसको अलग से डिवाइड नहीं करना है, 588 को ही हम माइनस कर देंगे, तो आप माइनस कर दीजिए 588, करिए, बोलो, यस और नो, चेक करिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर 5 डिजिट का है। अब 6 डिजिट में दूसरा क्वेश्चन ले लूंगा मैं, तो सिंपल सा लॉजिक हुआ। अब आपको इसमें क्या फायदा हुआ, फर्स्ट टर्म पता नहीं करना है, लास्ट टर्म पता नहीं करना है, सिंगल एक सिंगल डिवीजन से आप पूरा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। कि आपने यहां 5 डिजिट लिया, 5 कर दिया था मैंने, 5 डिजिट का निकाला माइनस ऑफ 4 डिजिट का, और एक ही डिवीजन से हमें बाकी का फायदा मिल गया, तो हम उसमें एक ही डिजिट को कम कर देते हैं। राइट, वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, मान लो 6 डिजिट के डिविजिबल बाय 19 नंबर की बात करें तो क्या होगा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, क्विक एंड फास्ट, जल्दी करिए, अब देखो आपको 6 डिजिट का बताना है, तो कंसेप्ट वही है सेम, कि 6 डिजिट का बताना है तो आपको यहां पर 6 डिजिट लेना है, ध्यान रखना। तो अब अगर आप 6 डिजिट लोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड डिवाइडेड बाय 90, यस और नो, मेंटली करो, ये वाले तरीके को अवॉइड करो, इसमें टाइम अननेसरी वेस्ट मत करो कि फिर साइड में लिख रहे हैं, ये सब नहीं करना है, है ना। तो क्या हो जाएगा, 95 4 2 जा 38 11, क्यों, 7 जा 6 जा 7 जा 133 हो जाएगा, तो 6 जा 114, 5 3 जा, फिर तो 5 2 5 2 6 3 1 माइनस 5 2 6 3, कितना सिंपल टेक्निक है, इज दैट क्लियर। तो ये एक टाइप होती है इसमें, फिर और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो बताता हूँ, लिखो, इफ ये भी कई बार आते हैं क्वेश्चन, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज सपोज 30,
If 10 term of an AP is 30, 20 term of an AP is suppose 70, find, कुछ भी पूछ सकते हैं, find 30 term, find sum of 15 term, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. बेसिक ऐसे कवर करो फाउंडेशन कि आप बेसिक क्वेश्चंस भी करने पाओ, रिवीजन भी हो जाए, फिर आप टफ क्वेश्चंस पे जाओ. जब भी पॉसिबल है कि आप हर तरह से क्वेश्चन को आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे. अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो 30 टर्म पूछा है या सम ऑफ 15 टर्म पूछा है, तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले अगर मैं बोलूं 30 टर्म क्या होगा तो आप बोलते ए प्लस, या एस 15 भी बोला जाता तो आप लिखते 15 बाय 2 2 इंटू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. अननोन क्या है, अननोन क्या है, ए और डी. तो आपको केवल ए और डी तो निकालना है. तो ए और डी कैसे निकालेंगे, टू एडिशनल कंडीशन आपको गिवन है. ए प्लस 90 इज सिंपली 30, ए प्लस 19 डी इक्वल टू बोलो 70. देयरफॉर इसको माइनस किया आपने तो कितना, माइनस 10 डी इक्वल टू माइनस, तो डी इज 4, 4 यहां रख दो 36, तो ए इज माइनस ऑफ 6. अब आपसे जो पूछा जाए दुनिया की चीज, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और याद रखना जो कंसेप्ट एपी में डेवलप कर रहा है वही जीपी में भी यूज होते हैं, बस जीपी में जैसे यहां एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मली जीपी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना. और एचपी तो कोई टॉपिक है ही नहीं, एचपी मतलब 1/AP. जब ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे तो स्पेशल एपी और स्पेशल एजी इस पे आ पाओगे आप. ये क्लियर है बात, अब आप यहां वैल्यू रख के निकाल लोगे. अब इसमें भी कुछ एक चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, अगर याद रख लोगे तो अच्छा. जैसे pth टर्म सपोज क्यू, qth टर्म इज पी, देन पी प्लस क्यू टर्म इज ऑलवेज जीरो, एंड nth टर्म ऑफ दिस केस इज पी प्लस क्यू माइनस एन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 30, 30 टर्म ऑफ एन एपी इज, अगर ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो इसका समेशन वाला टर्म हमेशा, वो मेथड से तो आप कर ही लोगे, मेथड तो आपके पास है ही, हमेशा क्या होगा जीरो. मान लो इस केस में मैं 80 टर्म बोलता तो आप पता क्या लिखते, 15 प्लस 30 माइनस बोलो 80, तो माइनस ऑफ 35. प्रूफ कैसे करना है वो आपको पता है, प्रूफ कैसे करना है वो पता है आपको. ओके कभी कभी इस तरह का भी आता है, पी एथ टर्म इज 1/Q, क्यू एथ टर्म इज 1/P, देन पी क्यू टर्म इज, यस पी क्यू टर्म इज 1, पी क्यू टर्म इज 1. ये स्टैंडर्ड है, इंटरचेंज हो रहे हैं तो नहीं हो, मान लो हो रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड है हमारे पास, है ना, मेथड है हमारे पास. अब जो मैंने आपसे बात बोली कि मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, देखिए क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड ट्रिक्स, इन सब में एक ही चीज है, सब में कंडीशन लगती है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं पहले बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट बनाओ, फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, फिर देखो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करने. स्टैंडर्ड क्वेश्चन जितने याद रहेंगे अच्छा. जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं 10 टर्म इज 1/30 मान लो, है ना, और 20 टर्म इज 1/70. अब कोई इंटरचेंज हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है. अब इस केस में मान लो मैं थोड़ी देर के लिए पूछता कि फाइंड 30 टर्म, तो बेसिकली आपको निकालना क्या ये बताओ, ए और डी. भाई एपी है तो ए और डी, जीपी है तो ए और आर, एचपी है तो फिर ए और डी, एचपी तो कुछ है ही नहीं. तो आप बताओ क्या करोगे, सिंपल ए प्लस 90 इक्वल टू, आप कैलकुलेशन में हम टाइम, क्योंकि हमें बहुत जल्दी कर स्पीड में करना है टॉपिक, इसलिए कैलकुलेशन आप करते चलेंगे, 1/70 सॉल्व कर लोगे तो ए और डी मिल जाएगा, वो वहां रख दोगे. पर इन केस इंटरचेंज हो रहे होते तो आपको एडवांटेज मिल जाता. अब याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं सॉल्व. तो या तो ये क्वेश्चंस होंगे वैरायटीज, दूसरा ये हो सकता है लिखिए नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो भी समझ लीजिए. इसके क्वेश्चंस ऑप्शन से भी बहुत होते हैं. अर्थमेटिक मीन इज सिंपली सपोज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बोले, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बोले क्या होगा, सिंपली अगर आपसे बोलूं कि इफ ए बी सी आर एन ए पी, तो आप यही बोलते हैं ना, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, देन बी इक्वल टू
तो सिंपली आप यहाँ पे बोलेंगे अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 9, तो कितना 7। अर्थमेटिक मीन क्या करता है, हेल्प की हेल्प से आप कोई भी सीरीज को एपी में या जीपी में या एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन के थ्रू, राइट। तो सिंगल तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, 407 का अर्थमेटिक मीन 11/2। बट सपोज राइट डाउन वन क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10, फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10, और जो कंसेप्ट यहां डेवलप कर रहा हूं वो सब जीपी में काम आएंगे, A3, A4 एंड A5। फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10, तो क्या होगा बताइए 2 and 10 के बीच में, अगर 5 अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सिंपल, आप उसके लिए अलग से फॉर्मूला मत पढ़ना, नहीं तो एन में कन्फ्यूजन रहेगा, एन में कन्फ्यूजन होता है जो इसका बुक में फॉर्मूला दिया था। तो मैं हमेशा बोलूंगा गो फॉर मैथड, जहां मिस्टेक हो सकती है वहां पर मैथड यूज करो, जहां मिस्टेक नहीं हो सकती वहीं पर ट्रिक यूज करो। अब आपको ये बताओ, अगर मैं बोलूं A1 क्या है, सपोज मैं बोलता कि A1, तो A1 क्या है बताओ, A+D, या A2 क्या है, A+2D, या An क्या है, या सुनो ये मीन है नॉट टर्म, टर्म के हिसाब से तो सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, या सुनो तो अननोन क्या यहां पर दिख रहा है, आपको डी कैलकुलेट करना होता है। अब मैंने आपको ये बोला है, ये फॉर्मूला हम केवल nth टर्म के लिए प्रूव किया है, बट इसको किसी भी नंबर ऑफ टर्म के लिए भी आपने देखा क्वेश्चन बना है ना, लास्ट टर्म के निकालने के लिए बनता है। अब डी के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म क्या है 10, ए क्या है 2, एन क्या है, अब याद रखो इन 2 फिंगर के बीच में 3 फिंगर, टोटल फिंगर 5, 7 कैसे 5 फर्स्ट, और याद रखिएगा कि ये टर्म भी है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल टर्म इन गिवन सीरीज, तो जितने भी ए और बी के बीच में उसे हम बोलेंगे, तो यानी यहां पर ए और बी के बीच में जो टर्म है उनके बीच के टर्म को मिला के बनेगा, तो 5 तो मीन है और 2 और है, तो कितना हो गया 7, तो कितना जाएगा, क्लियर और नॉट, तो आपने जो 7 बोला वो ये बोल दिया, मैं ये पूछा था इन 2 फिंगर के बीच में 3 फिंगर तो टोटल फिंगर 5, इन 2 फिंगर के बीच में 8 फिंगर तो टोटल फिंगर 10, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को काउंट करना, तो ये एन में मिस्टेक होती है, इसलिए हमेशा आप, मैं बोलूंगा इस पे ही जाओ सीधे। अब बोलो 8 = 60, तो डी इक्वल टू बोलो 4/3, यस और नो। अब सपोज आपको फाइंड करना है A1, A2 या A3, तो क्या करेंगे सिंपली, अगर आपको मैं बोलूं कि A1 क्या होगा तो आप बोलेंगे A+D, तो A मतलब 2+D, अब 4 टाइम हर बार बढ़ेगा 10/3, देन A2 14/3, 4 बढ़ गया, यस और नो, A+2D, कहीं समझ में ना आए तो पूछ लेना, 18/3 कैंसिल होगा 6 पर, 18 ही लिखे रहने देना क्योंकि आपको अभी कन्वीनियंट है, A4 22/3, A5 26/3, A6, अब A6 बोला नहीं है पर मैं इसलिए निकलवाता हूं कि अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो कैच हो जाएगी, A5 के बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो ये होना चाहिए, देखो 10 आ रहा है, यानी बीच में कहीं कोई मिस्टेक नहीं, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले से करिए, क्लियर और नॉट, राइट डाउन वन क्वेश्चन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, मान लो फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल यही कंसेप्ट जीपी में यूज करना है, बस वहां रेशो आ जाएगा, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 15, फाइंड आउट, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 15। अब 6 मीन बताना है, मीन्स A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, क्या होगा 6 अर्थमेटिक मीन अगर बात की जाए, तो सिंपली आप यहां पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कई बार आपसे बोलेंगे कि इंसर्ट 6 मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4th मीन, तो पर्टिकुलर वैल्यू भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक बार आपको कंसेप्ट बन गया तो जो भी पूछा है बता सकते हो। तो अब यहां पर आप सबसे पहले लास्ट टर्म इक्वल टू A+N बोलो, एन में मिस्टेक होती है 6 मीन और 2 टर्म आगे पीछे के, तो 8, तो 8 - 1 × D, डी पता करना है, तो 12 = बोलो, देन डी इक्वल टू 12/7। अब मैं अगर बोलूं कि A1 क्या होगा तो आप बोलते A+D,
राइट, तो ए इज बोलो 3 + 12/7 33/7, बस इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता जाएगा 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। तो सपोज मैं बोलूँ 8 to 45/7, 3 57/7, 4 69/7, 5 80, 6 93/7, 7 पूछ 105/7, दिस इज 15, यस और नो? यानी बिल्कुल ठीक किया है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कैच होती है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन के बाद का टर्म निकालना है, और जो कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन में है वही कंसेप्ट ज्योमेट्रिक मीन में, वही कंसेप्ट हार्मोनिक मीन में, बस केवल क्या चेंज होगा, ज्योमेट्रिक के लिए ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगेगा, अर्थमेटिक के लिए अर्थमेटिक एपी का फॉर्मूला लगता है। ये क्लियर है बात? तो ये बिल्कुल बेसिक एपी हुआ। अब आपको स्पेशल एपी ये भी पढ़ना है, इसका जीपी भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, पर एक एक करके आप करते चलोगे तो आपको आसान लगेगा, और फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम उसकी बची हुई थ्योरी कवर करेंगे, राइट? अब नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट इज बेसिक ऑफ जीपी, पहले बेसिक ऑफ जीपी, फिर बेसिक ऑफ एचपी, फिर स्पेशल एपी, स्पेशल एजी, ये सब करेंगे। तो अगर हम जीपी की बात करें, तो जीपी की जनरल बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यस और नो? जीपी मल्टीप्लाय से बनती है, कॉमन रेशियो के मल्टीप्लाय से, यानी रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम। तो सपोज कॉमन रेशियो इज आर, तो फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए आर, ए आर स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो एनएट टर्म क्या होगा, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। और अगर इसमें सम की बात की जाए, पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू जो एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट होगा वो कवर करेंगे। अगर सम ऑफ एन टर्म बोलें, सम ऑफ एन टर्म बोलें तो क्या होगा, ए आपने पढ़ा है आर पावर एन माइनस वन अपॉन, एक और फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अब लॉजिकली बुक में आपको दिया रहता है ये जब यूज करना है जब आर ग्रेटर देन वन हो, ये बट आप कभी भी कोई फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिकली देखो तो इन दोनों के माइनस से ये बना है, इन दोनों के माइनस से ये बना है, तो आप बाय मिस्टेक अगर आर लेस देन वन में ये भी कर गए तो प्रॉब्लम नहीं है, या ग्रेटर देन में, फिर भी अगर याद रहे तो ठीक है। क्लियर है ना बात? और यहीं पर इनफाइनाइट जीपी भी बनती है। इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी r टेंस टू जीरो, मतलब r की वैल्यू क्या हो, r टेंस टू नहीं, r लेस देन वन, तो क्या होगा बताओ? आपको पता है अगर r लेस देन वन है तो r पावर n टेंस टू जीरो होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू मान लो r की 0.1 है तो इसकी स्क्वायर और कम होगी और क्यूब और कम होगी, तो धीरे धीरे और कम होती जाएगी। तो r लेस देन वन पे हमें यह ध्यान रखना है कि s इन्फिनिटी में r पावर n जीरो के इक्वल हो जाता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, a अपॉन 1 - r। क्लियर है बात? अब जीपी में कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो अक्सर क्वांटिटी एग्जाम में आते हैं, वो पहले वो बताता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो सपोज आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया है, पहले तो बेसिक एक आध क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए 1/3, 4/3, 16/3, फाइंड 8 टर्म। फाइंड 8 टर्म, तो अगर आपको मान लो 8 टर्म पूछा है तो सिंपली क्या करोगे, देखिए 1/3, 4/3, 16/3, अगर आप सपोज 8 टर्म पूछा है आपसे, तो इस सिंपली आप क्या करेंगे, ए आर पावर 7, तो ए इज 1/3, आर इज 4 पावर, या 1/3, 2 की पावर 14, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। जीपी में कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इसको सॉल्व करना है तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, तो अगर ऑप्शन में आपको वैल्यू दी है तो सॉल्व करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, है ना? मान लीजिए आपको कभी बोले, लिखिए नेक्स्ट 3
minus 6, 12, minus 24, find sum up to 10 term. GP जो है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, AP नहीं हो सकती, AP कंटिन्यूस पॉजिटिव कंटिन्यूस नेगेटिव या कंटिन्यूस पॉजिटिव के बाद नेगेटिव या नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, अल्टरनेट टर्म AP में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे पर GP में हो सकते हैं। तो जैसे S10 बोला है तो इसमें A कितना है 3, R कितना है माइनस 2, तो क्या लिखोगे आप A इंटू R पावर कितना N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यस और नो, R माइनस 1 तो ये मिलेगा 3 इंटू बोलो 2 पावर 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 3। वैसे भी टर्म बढ़ रहा है ना तो इवन प्लेस के टर्म की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है तो हो सकता है जो 10th इवन टर्म हो वो बड़ा हो इसलिए ओवरऑल आंसर नेगेटिव है, अगर 9 टर्म होता तो हो सकता पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव उसे पॉजिटिव बना देता। क्लियर है बात? देखो आप वैसे भी देखो अगर इवन टर्म में जोड़ूं तो 2 टर्म का समेशन माइनस 3 है, अगर इन 4 को जोड़ूं तो माइनस 30 है और ये जबकि 15 है माइनस 15, तो इवन में सबसे बड़ा टर्म इवन होगा। अब इसमें जो अक्सर पहले कुछ बेसिक बता रहा हूं मैं क्वेश्चंस, अक्सर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, ये आपने देखे होंगे क्वेश्चन 7 77 777, ये बहुत कॉमन है और इसका आंसर फिक्स है। इसमें भी टू टाइप्स होती हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा हो सकता है 0.6 एंड सो ऑन। अब इनके आंसर का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है तो अच्छे से समझ लीजिए, सपोज ऐसा हो 7 77 777 एंड सो ऑन। अब एक चीज समझिए, इसको इससे डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली हो रहा 11 टाइम, पर इसको इससे करोगे तो 11 टाइम होगा नहीं होगा, 77 10 या 770 होता तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जीपी नहीं है, हमें इसको जीपी कन्वर्ट करना होता। तो कैसे करते हैं, इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। सबसे पहले आप इसमें क्या करते हो, इसका आंसर याद रखिएगा, पर 7 कॉमन तो 1 1 1 1 1 1 अप टू एन टर्म। अब आप क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, और फिर अभी भी नहीं हुआ है, अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1। अब 10 वाले टर्म को अलग लिख लो और 1 1 1 को अलग ले लो तो क्या होगा बोलो बेटा, 7 बाय 9 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू एन टर्म माइनस 1 1 1 एन टाइम आया ना, 1 1 1 1 1 1 फाइव टाइम आया तो 5, 1 1 1 10 टाइम आया तो 10, तो एन टाइम आया तो एन। अब ये बन गया जीपी, तो इसमें क्या होगा 7 बाय 9 बोलो ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन एन आर माइनस 1 माइनस ऑफ एन। अब इसका आंसर बिल्कुल फिक्स है, अगर 7 है तो यहाँ 7 आएगा, 6 होता तो 6, 4 होता तो 4, 3 होता तो 3, 2 होता तो 2, 1 होता तो 1, मतलब जो होता। अब ये मान लो याद ना रहे तो भी पेपर में ये सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए तो बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ एपी में जीपी में और एचपी की थ्योरी लिमिटेड करके, स्पेशल इसमें ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे टॉपिक में, तो वो ऑप्शन वाली अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। कैसे, अगर आपको मैं बोलूं कि इसका सम निकालो अप टू एन टर्म, कभी भी इस क्वेश्चन का नहीं, इसका नहीं, कोई भी क्वेश्चन का अगर मैं आपको सम अप टू एन टर्म बोलूं तो ये हमेशा ऑप्शन से हो जाएगा। हाँ अगर सम ऑफ 10 टर्म पूछा होता, सम ऑफ 20 टर्म तो ऑप्शन नहीं करता हेल्प, इसलिए मैंने मेथड बताया, पर अगर एन टर्म पूछा है तो सिंपल, जैसे मान लो आप एन की वैल्यू ऑप्शन देख लो पहले, एन की वैल्यू 1 लेने पर ही अगर ऑल 4 ऑप्शन आर डिफरेंट तो 1 ले लो, 2 मैच कर रहा हो तो एन की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 लेने पर कितना आएगा समेशन 84, ऑप्शन में एन की जगह 2 रखो जो 84 दे वो करेक्ट, एन की जगह 1 रखने पर 7 मिलना चाहिए, 3 रखने पर इन 3 टर्म का समेशन, तो ये समझ में आया, तो आप 2 रखोगे तो क्या मिलना चाहिए 80, रखो 2 जरा थोड़ा लॉजिक के लिए, तो 7 बाय 9 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 99 बाय 9 11 माइनस ऑफ 2, बोलो 7 बाय 9 110 माइनस 2 यानी 108, क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो 12 7 जा, ये 2 टर्म का समेशन
तो एपी जीपी एचपी के पहले बेस बनाओ, बेस एक बार बन गया अच्छे से, फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस से ऑप्शन से उनके लॉजिक्स बनाओ, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनकी टेक्निक्स आपको आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक के लिए होनी चाहिए। थ्योरी 10 बार पढ़ लोगे कोई काम नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन से ही हो जाएगा, पर वैसे करते क्या इसमें, इस जैसे इसका आंसर भी फिक्स है ना, अगर 7 है तो 7, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, वैसे ही उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है थोड़ा, मतलब इसको आप ऐसा लिखते हो 6/10। नहीं समझे, बोलो क्या कॉमन, 6 कॉमन, तो बोलो 1/ क्लियर। अगेन 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, 9 का डिवाइड इसमें भी होता है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/9, बोलो 9/10, 99/999/ यस और नो, अब बोलो कितना 6/9। अब इसको ऐसा लिख सकते हो आप 1-1/10 प्लस, बोलो 1-1/1-1/ एंड सो ऑन। तो अब आप इसमें 1 को इधर ले लेते हैं और ये माइनस कॉमन लेके, यहाँ देखो 1 पीछे जा रहा था, यहाँ इधर आ गया, और 1-1-1 कितने टाइम आ रहा है, तो n टाइम्स लिखोगे, और ये लिखोगे 1/10 1/1/10³ एंड सो ऑन, यस और नो। देन फाइनली ये आपको मिलेगा 6/9 एन माइनस ए इंटू 1-r^n अपॉन 1-r। अब ये मिलेगा 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/9 बोलो एन माइनस 1-, या इसको 10^n-1 अपॉन, ऐसा भी लिख सकते हो 9×10^n, इज दैट क्लियर। पर इसमें भी आपको ऑप्शन हेल्प कर जाएगा, यानी आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, वह शर्त है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। नोट करो, यस, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल सा पोर्शन है, बहुत ही इजीली आपको पता है अभी जो क्वेश्चन बताएं। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन इज सिंपली ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बोलो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ऑब्वियसली आप ऐसे ही बोलोगे ना, इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो आप बोलोगे बी अपॉन ए इक्वल टू सी बाय बी, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या बी इक्वल टू रूट ऑफ, तो यहाँ पे आकर ज्योमेट्रिक मीन में पूछूं तो आप बोलेंगे रूट ऑफ, तो मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9, तो बोलो क्या हो जाएगा 6, 9, 4 जो 36 का इसका रूट 6, पर मैं बोलूँ फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 and 11, तो बोलो रूट 55। तो ये 1 ज्योमेट्रिक मीन हुआ, मोर देन 1 होगा तो जो अभी तरीका बताया वही लिखे क्वेश्चन, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, G1, G2, G3, G4, 4 ज्योमेट्रिक मीन बताना है 2 and 8 के बीच में। तो अब यहां पर क्या करोगे, जो एपी में कंसेप्ट बनाया है वही कंसेप्ट आप यहां पर भी यूज करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए G1 होगा AR, G2, G3 यही होगा ना, ये टर्म के हिसाब से सेकेंड टर्म है, ये टर्म के हिसाब से सेकंड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा है। अब बोलो कितना, तो सिंपल आपको लास्ट टर्म इक्वल टू ए इंटू आर पावर, तो 8 = 2 × r फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म बोलो, सारा गड़बड़ नंबर ऑफ टर्म में ही होता है, 4 मीन है और 2 टर्म उसको बाउंड कर रहे हैं, तो 6, तो 6-1 दिस इज 4 = r^, या r = 4 की पावर, या 2 की पावर 2/5, यस और नो, राइट।
ये बेसिक है, बेसिक के लिए बुक खोलने जरूरत नहीं है, बेसिक रिवीजन करो फॉर्मूले का, बेसिक क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं वो करो, फिर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस पे आ जाओ, फिर देखो नहीं बनते फिर कौन सी थ्योरी अपने को लगेगी वो रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है। तो आप बोलो कितना, तो अगर मैं देखूं इसमें तो G1 होगा AR, तो 2 × R 2^5, तो बोलो 5 + 2 कितना, 2^5। अब न्यूमरेटर में क्या है 2, तो 2 बढ़ता जाएगा, मतलब मैं G2 बोलूं तो आप बोलो कितना बोलते हैं 9/5। G3 बोलो, G4 बोलो, और G5 15/5, मतलब 2^3 मतलब 8। G4 के बाद का अगला टर्म जरूर देख लो, इसमें दिख रहा है आपको पावर ऐसी है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हेल्प करता है कि कोई भी टर्म के बीच में, टू टर्म के बीच में आप कितने भी टर्म इंसर्ट कर दो आपको पूरी सीरीज AP GP या HP में मिल सकती है। क्लियर है बात? तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर ABC AP में है तो आप क्या बोलेंगे, B=2 या 2B=A+C। यस और नो? ABC अगर कभी ऐसा बोला जाए GP में है तो आप बोलेंगे B²=AC, और अगर ABC कभी आपको बोल दें HP में है तो एक्चुअल में इसको आप ऐसा लिख ले तो AP(A)(B)(C), और फिर इससे ही कंडीशन निकालते हो तो क्या हो जाएगा B=A+C। ये याद रखना है। अब जब कभी क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू लेके कर सकते हो, AP के लिए वैल्यू ले लो A की 2 B की 3 C की 4, 1, 2, 3 भी ले सकते हैं, पर 1 में कई बार क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्यूब भी वही होता है, तो कभी कभी दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, इसलिए ये ले लें। और कभी भी वैल्यू लेके करें तो क्या चेक करना है, पहले ऑप्शन या फिर ये ले लें। GP हो तो क्या लेंगे, A2 B4 C 8, या 1, 2 और 4, वही 1 के साथ कभी कभी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं 1 को आजकल 1 की जगह बोलता हूँ, ये लो। और HP हो तो हमेशा याद रखना A2 B3 और C, बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो आप सॉल्व। हाँ, अगर इसमें मान लो स्क्वायर दिया होता जैसे आप बोल रहे हैं A², B², C², ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो A²को 1 कंसीडर करो, B²को 25 और C²को 49। पता है क्यों, ये अपने आप में AP में 1, 25, 49, बट इनका स्क्वायर रूट भी होता है, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे आप लेते मान लो A²को 4, 6, 8, तो 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसके स्क्वायर रूट भी हो जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो जब कभी भी A², B², C² RN AP बोलें तो A=A²(1), B²(25), C²(49। यस, अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा, और रिमेनिंग पार्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका थ्योरी लगभग आपको आता है सभी को, बट क्वेश्चंस में कई बार उलझते हैं, तो कैसे करने हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो देखते हैं। जैसे अभी लिखिए द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट 6 की पावर 1/4 6 पावर 1/2 6 पावर 6 पावर, ये 1/2 है पहला टर्म, 6 पावर 1/2 6 पावर 1/2, 6 पावर 3/8, 6 पावर 1/4 अप टू इनफाइनाइट, आपको इसका समीशन बताना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इसका समीशन पूछा है इनफाइनाइट टर्म तक, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पावर अलग अलग दिए, बेस सेम दिए हैं पर पावर अलग अलग हैं, पर हम सेम बना सकते हैं। ये 6 पावर 1/2 है, ये 6 पावर 2/4 है, ये 6 पावर 3/8 है, ये 6 पावर 4/16 है, नहीं समझे, यस और नो? फिर 6 पावर 5/32 ऐसा होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड। मैं रिमेनिंग थ्योरी वही तो समझाना चाहता हूँ आपको कैसे, क्योंकि हमने पहले ही डिटेल में फाउंडेशन में सब पढ़ा अच्छे से, तो आप पावर ऐड करो तो 1/2 2/4 3/8 4/16 5/32 अप टू इनफाइनाइट टर्म। अब इसको सम कैसे करेंगे, ये एक उलझन है, वो बताता हूँ तरीका। एक्चुअल में इसमें ध्यान दो आप, सीधा ही क्वेश्चन पहला वो आ गया जो एग्जाम में आया था, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है AP,
वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय एट, वन बाय जी पी, इसे बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसके इनफाइनाइट टर्म का समेशन हमेशा याद रखिए ए अपॉन वन माइनस आर डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। अब आप अलग से समझिए, आप चाहो तो इसमें वन बाई टू कॉमन ले सकते हो, वन बाय टू चाहो तो क्या ले सकते हो, तो वन बाय टू अगर मैं कॉमन ले लूं तो बोलो पहला टर्म वन, अक्सर ए में कन्फ्यूजन होता है तो ऐसा कर सकते हो आप, फिर बोलो अगला टर्म वन बाय टू कॉमन लिया है तो टू बाय टू, फिर अगला टर्म थ्री बाय फोर, अगला टर्म फोर बाय, अगला टर्म फाइव बाय, यस और नो, ये सिक्स की पावर में बाद में लगा देंगे, अभी अलग से समझा रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो बोलो क्या होगा, वन बाय टू अलग ए अपॉन वन अपॉन वन माइनस आर, यहाँ पर याद रखना वन टू थ्री ये ए पी है, जी पी क्या है वन वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय एट, ये क्या है जी पी है, तो आप लगाओगे वन माइनस वन बाय टू अब प्लस बोलो डी वन है आर वन बाय टू अपॉन वन माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा वन बाय टू, तो टू ये वन बाय टू अपॉन वन बाय टू का स्क्वायर यानी वन बाय फोर, तो अगेन ये भी टू मिलेगा क्यों बेटा, तो टू प्लस टू कितना फोर, तो ओवरऑल कितना मिला टू, तो ये कितना हो गया देखो ऑप्शन भी वही दिया सिक्स का स्क्वायर मतलब 36। तो अब मैं जो आपको रिमेनिंग थ्योरी है वो क्वेश्चन के थ्रू सारे फॉर्मूले भी बताता चलूंगा, पता भी है आपको, बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखते हैं, अब कई बार हम उलझ जाते हैं, अगर डायरेक्ट लिखा होता सब कुछ ऐसे तो आप एक सेकंड में कर लेते, तो ये कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, तो आपको बिल्कुल पहले बनाना पड़ेगा कई बार कि कोई टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो वो कर देते हैं, ये 4 बाय 2 था 2 बाय 4 था उन्होंने 1 बाय 2 लिख दिया है ना, ये 4 बाय 16 था 1 बाय 4 लिख दिया, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, इसलिए आप बार बार थ्योरी पढ़ते रहोगे प्रोग्रेशन पे कमांड नहीं आएगा, आप बोलते प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे क्योंकि आप बार बार गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा, बार बार वो थ्योरी पढ़ रहा जो आती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पढ़ना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। ये 1 बाय 2 कॉमन इसलिए लिया है कि हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता कि ए क्या ले, जीपी का फर्स्ट टर्म हमेशा 1 बनाते हैं इसलिए क्योंकि जीपी ये भी होती है ए ए आर ए आर स्क्वायर पर ये भी जीपी होती है, इसलिए हम हमेशा कंफ्यूजन ना हो ये कर लें, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो सकता है, आपसे मिस्टेक हो सकती है। यस, अब जैसे एक और क्वेश्चन लिखो आप, जरा मैं बताता हूं आपको कि क्या करना है, ये क्वेश्चन है इफ, ये भी बहुत स्टैंडर्ड कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड एंड ए बी सी आर इन जी पी देन एक्स वाई जेड आर इन, ये पूछा है आपसे। अब इस क्वेश्चन में समझ लें हम पहले कि क्या है क्वेश्चन और कैसे करेंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर यही होता है ए पी जी पी एच पी लाइक दिस। अब एक क्वेश्चन क्या है वो देखें हम, तो क्वेश्चन ये है ए पावर एक्स बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड ए बी सी आर इन, इसका मतलब क्या गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू, और पूछा क्या है एक्स वाई जेड, थ्री क्वांटिटी इक्वल है तो इसके इक्वल हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं लाइक के, तो बोलो ए इक्वल टू के पावर वन बाय एक्स बी इक्वल टू के पावर वन बाय वाई, ये लिखना नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करना के, ये सिमिलरली करके कर सकते हैं, ये ना लिखते हुए डायरेक्ट यहां वैल्यू रख दो, तो k का पावर 2 अपॉन y इक्वल टू के पावर 1 अपॉन x के पावर 1 अपॉन z, तो 2 अपॉन y बेस से में तो पावर इक्वल 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z देन x y z आर इन इन एच पी, ये इस तरीका हो सकता था। यस, एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, अब किस तरह से क्वेश्चंस करने अपने आप समझ में आने लगेंगे आपको। तो सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन भी लिखूंगा क्योंकि इसमें ऑप्शन भी हेल्प करते हैं, इफ थ्री पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी आर इन ए पी, इफ थ्री पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी आर इन ए पी एंड ए बी सी इक्वल टू फोर देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है टू की पावर थ्री बाय टू,
2 की पावर 3 2 बाय 3 2 की पावर 1 बाय 3 एंड 2 की पावर 5 बाय 3 यस। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में? अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, एबीसी बोला है 4, ये एबीसी एपी में नहीं जीपी में, तो अगर जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू बोलो एसी, तो एसी के प्लेस पे क्या रख दोगे बी स्क्वायर, तो बी क्यूब इक्वल टू 4, यानी बी क्यूब इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देन बी इक्वल टू 2 की पावर 2 बाय 3 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म। देखो सम ऑफ एन टर्म जैसे ही बोले तो ऑब्वियसली ऑप्शन में हेल्प, आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज रूट 2 प्लस रूट 8 प्लस रूट 18 प्लस रूट 32 एंड सो ऑन। आप जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन कैसे हेल्प करेंगे वो भी बताता हूं। जैसे ऑप्शन ए है एन एन माइनस 1 बाय रूट 2, ऑप्शन बी है रूट 2 इंटू एन एन प्लस 1, ऑप्शन सी है एन इंटू एन प्लस 1 बाय रूट 2 एंड ऑप्शन डी क्या है, देखिए ऑप्शन डी है एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2। अब एक चीज समझ लीजिए अच्छे से कि अगर आपको ऑप्शन से करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर मैं पहले एन की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 टर्म का समेशन ये होगा रूट 2 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हो, यानी फाइनली 3 रूट 2। एन की जगह 2 रख के जो ऑप्शन 3 रूट 2 थे वो करेक्ट है, तो आपने एन की जगह मान लो 2 रखा तो ये तो दे ही नहीं रहा, इसको रिजेक्ट कर दो, इसमें रूट नहीं है ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आप इसमें आए तो आपने रखा रूट 2 3 3 प्लस 1 बोलो 4, ये भी नहीं है। एक मिनट मैंने ऑप्शन सही लिखे, सी ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, एन इन टू एन प्लस 1 बाय 2 रूट 2 नहीं था यहाँ, हाँ नीचे रूट 2 था सॉरी, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, वो कर एन इंटू एन प्लस 1 बाय रूट 2। अब ये दिया है तो जैसे ये ऑप्शन दिया है, अब एन की जगह आपने क्या रखा 3 नहीं 2, तो 2 2 प्लस 1 बोलो 3 अपॉन रूट 2, एक कैंसिल तो रूट 2 इंटू 3, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। बाकी अगर मेथड से करना होता तो एक्चुअल में ये ऐसा है रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, ऐसी है सीरीज, तो रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन टर्म की सीरीज है, राइट। अब मैंने आपको अभी बोला कि क्वेश्चन के साथ रिमेनिंग थ्योरी हम कवर करेंगे, अभी सिग्मा एन है तो सिग्मा एन का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस, सिग्मा एन मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सपोज सिग्मा एन स्क्वायर हो तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू, उसी समय क्वेश्चन के साथ रिमेनिंग थ्योरी बिना बुक ओपन करे रिवाइज करो अच्छा होगा, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। और अगर सपोज सिग्मा एन क्यूब है तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का, तो आपको ये समझ में आ गया रूट 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, राइट। एक रूट 2 कैंसिल तो क्या बचा एन इंटू एन प्लस 1 बाय रूट 2। तो ऐसा नहीं कि मेथड से टाइम लग रहा है, पर एक आपको लॉजिक बताया कि क्या कर सकते हो आप। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन एपी। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन एपी, ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन एपी, देन ई माइनस सी इज इक्वल टू विच वन, मतलब ई माइनस सी को किसके इक्वलेंट लिख सकते हैं। एकदम कंप्लीटली ऑप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए के, ऑप्शन बी है 2 टाइम्स ऑफ डी माइनस सी के, ऑप्शन सी है 2 टाइम्स ऑफ एफ माइनस डी के एंड ऑप्शन डी है डी माइनस सी के। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेथड से कर सकते हो, वैल्यू लेके कर सकते हो। मान लो आपने सपोज ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो E माइनस सी कितना, 10 माइनस 6 कितना 4। अब ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर 4 देता है,
अब आपने सी माइनस ए किया, सिक्स माइनस टू फोर, पर फोर टू जा एट, तो ये रिजेक्ट। यहां पर आए डी माइनस सी पर, तो डी माइनस सी एट माइनस सिक्स टू, टू इंटू टू फोर, ये हो सकता है। पर जब भी ऑप्शन से करो तो ये मत देखो कि राइट कौन सा है, थ्री रॉन्ग ढूंढना जरूरी है। आप क्रॉस चेक के लिए जैसे एफ माइनस डी, ये दिख ही रहा है फोर इंटू टू एट, या डी माइनस सी, अब डी माइनस सी टू है, तो आंसर इज बी बॉम्बे। तो प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ द सीक्वेंस SN इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक SN जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड S2 इंटू एस इलेवन इक्वल टू एस पी इंटू एस एट, देन द वैल्यू ऑफ, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू बताना है क्या हो सकता है। ऑप्शन है वन थ्री फाइव और कैन नॉट बी फाइंड। अब देखिए इसमें आपसे पी पूछा है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक। इन दोनों का समीशन कितना है, तो इन दोनों का भी थर्टीन ही होना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म एक्स एंड द सम फाइव, इफ एन एपी इनफाइनाइट जीपी, सॉरी, इफ एन इनफाइनाइट जीपी द फर्स्ट टर्म एक्स, फर्स्ट टर्म है एक्स इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, तो आपको फर्स्ट टर्म बोला एक्स एंड द सम फाइव, और सम कितना है फाइव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है फाइव, ये दिया एक्स अपॉन वन माइनस आर, तो क्या हो जाएगा बोलो, फाइव माइनस इक्वल टू एक्स, ठीक है, फाइव माइनस फाइव आर इक्वल टू एक्स, या क्या बोल सकते हो, फाइव माइनस एक्स इक्वल टू फाइव आर, तो आर इक्वल टू कितना, फाइव माइनस एक्स अपॉन फाइव। अब एक चीज समझो, अब आप इसको ऑप्शन से बहुत इजीली समझ सकते हो कि आपको ये पता है कि जीपी का आर जो होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, यस और नो। तो अगर मैं इसमें एक्स के प्लेस पे कुछ रखना चाहूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक्स के प्लेस पे रख दिया, मान लो सपोज जीरो रख दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो जीरो से जीरो रखना नहीं, लेस देन लिखा है, पर मान लो जीरो रख दूं, तो फाइव बाय फाइव कितना वन, पर जीरो से छोटी वैल्यू रखूंगा तो वन से कम मिलेगा। अब माइनस टेन रख दो, तो माइनस टेन नहीं रख सकते, थ्री हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब आप इधर आ जाओ, इस पर जीरो रखने पे तो हो ही रहा है, पर टेन रखो, फाइव माइनस टेन माइनस फाइव, माइनस फाइव अपॉन फाइव माइनस वन, तो दिस इज द राइट आंसर। और क्योंकि टेन नहीं रख रहे हो आप, टेन से छोटा रख रहे हो, इसलिए यहां पर माइनस वन से छोटा मिलेगा। हाँ, वैसा भी कर सकते हो भाई, फर्स्ट टर्म क्या है आपका x, नेक्स्ट टर्म क्या होगा x बाय एक्स स्क्वायर, एक्स आर होगा ना, मतलब एक्चुअल में ऐसा बढ़ेगा, जरूरी नहीं है ना कि x के टर्म में ही बढ़े वो। आप समझो, 5 इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस आर, फाइव माइनस फाइव आर इक्वल टू एक्स, देन आर इक्वल टू फाइव माइनस एक्स अपॉन फाइव, क्लियर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है जीरो से बड़ा और टेन से छोटा, तो जीरो से बड़ा कोई नंबर बोलो, लाइक वन, वन रखो यहां, कोई भी जीरो से बड़ा, पॉइंट वन भी रख सकते हो आप, पॉइंट वन भी रखोगे तो फाइव माइनस पॉइंट वन फोर पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय फाइव, तो वन से तो कम आया ना। और अब टेन से छोटा नंबर रखो, ठीक, टेन नहीं रखना, टेन से छोटा रखना, क्लियर है बात। यस, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग, एक क्वेश्चन और लिखिए, क्या है देखिए,
एक क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164, कौन सा टर्म 164 होगा, 27 टर्म, 26 टर्म, 30th टर्म एंड 28th टर्म। हाँ, सम ऑफ एन टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो 20 टर्म इज 164, यानी आपको ये mth टर्म हो सकता है ऐसा मान लो, तो आपको वैल्यू आप m बताना है, ठीक। ऑप्शन से भी कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो, मान लो mth टर्म ही है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, sm माइनस, तो 164 इक्वल टू, बोलो एम एन भी लिखा रहे तो चलता, 3m स्क्वायर प्लस माइनस, बोलिए 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एम माइनस 1, सॉल्व कर लोगे तो m आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये हो सकता है, sn दिया है कितना 3n स्क्वायर प्लस, आप 1 निकालो s1 तो 3 प्लस 5 ये t1 होगा, s2 निकालो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 10 22, तो 22 माइनस 8 कितना 14, तो सीरीज हो गई 8, 14, यानी 6 का डिफरेंस है 20, तो आपको लास्ट ये बताना है 164 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे डायरेक्ट एन निकल आएगा। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्ट बिटवीन 20 एंड 80, क्वेश्चन सुनिए क्या है, इफ एन अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन 20 एंड 80, 20 एंड 80 के बीच में कितने मीन इंसर्ट करना है, हाँ, n, such that the ratio of first mean and last mean, ratio of first mean and last mean is 1:3, then the value of n, n क्या होगा ये पूछा है, ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 11 और 15, मतलब कितने मीन इंसर्ट किए होंगे आपने, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि फर्स्ट मीन का और लास्ट मीन का रेशियो कितना है 1:3, 20 और 80 के बीच में एन मीन इंसर्ट कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है, करिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप मेथड से भी कर सकते हो, लॉजिक ट्रिक सब तरीके कर सकते हो, पर सबसे पहले अगर हम समझें, a1 अपॉन a3 an दिया है 1/3, अब आपको ये पता है कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस डी, सेकेंड a प्लस 2d और nth अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस nd, बट इसमें दो अननोन हो जाएंगे, तो आपके पास एक टेक्निक है कि आप ये बताओ a1 मतलब फर्स्ट मीन पर टर्म के हिसाब से सेकेंड टर्म, और ap में कोई भी टर्म जैसे निकालना, जैसे सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड करो तो 20 प्लस d होगा कि नहीं, जैसे मैं a2 बोलता मान लो थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस 2d, अच्छा ये ए एन है लास्ट टर्म का नेक्स्ट टर्म, तो इसके बाद इसमें डी एड करोगे तो ये मिलेगा, तो इस ए एन क्या मिलेगा 80 माइनस डी, दिस इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3d इक्वल टू, बोलो 80 माइनस डी, तो 4d इक्वल टू 20, देन डी इक्वल टू 5, अब डी की वैल्यू 5 आ गई, यस और नो, तो इसका मतलब ये टर्म हो गया 25 और ये हो गया 75, जब ही रेशो हो गया 1/3, यानी हमने बिल्कुल सही किया। अब आपको तो नंबर ऑफ टर्म ही पता करने थे, लॉजिक समझ में आ गया कि अब आप नंबर ऑफ टर्म के लिए चाहो तो ये यूज कर लो, a प्लस डी यानी 25 अपॉन a प्लस, बोलो लास्ट में क्या होता है a प्लस nd, तो 20 प्लस nd मतलब 5d, दिस इक्वल टू 1/3, तो 75 इक्वल टू 20 प्लस 5d, तो 55 इक्वल टू 5d, देन d इक्वल टू, वो d नहीं n लिखना था, तो n इक्वल टू बोलो 11, ये आ गया।
आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे मीन के, नंबर ऑफ मीन कितने होंगे, ना कि टोटल टर्म। टोटल टर्म पूछा था तो 13 होता, ठीक है ना। आपसे नंबर ऑफ मीन पूछा। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, क्या क्वेश्चन है। इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 upon 1 plus x minus 1 minus x upon 1 plus x का whole square plus 1 minus x का whole square upon 1 plus x का cube minus plus minus से alternate 1 minus x का cube upon 1 plus x power 4 up to infinite। इसका समीशन बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं, वैसे ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। 3/4 1, क्योंकि न्यूमेरिक आंसर में ऑप्शन हेल्प नहीं करते। अब देखो इस क्वेश्चन में टू अप्रोचेस हो सकती है। अप्रोच नंबर वन, पहले तो एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया, क्यों दिया उसका रीजन समझ लें। एक्स की जगह जीरो से बड़ा नंबर रखा तो ये वन प्लस समथिंग हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट लेस देन वन हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो लेस देन वन रहा, इसलिए ऐसा करा। अब x ग्रेटर देन जीरो बोला है तो जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सपोज आपने x की जगह 1 लिया तो 1 माइनस 1 जीरो, सब जीरो। यहां रखा 1 तो कितना, तो आंसर आ गया 1/2। यस और नो? बट अगर मेथड से करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मेथड से करते तो आप अगर 1 upon 1 plus x कॉमन ले लो मान लो, तो बोलो 1 minus 1 minus x upon plus 1 minus x upon 1 plus x का बोलो 1 फिर माइनस बोलो कितना 1 minus x upon 1 plus x की power 3, ऐसा मिलता। यस और नो? ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो इसका समीशन क्या होगा, a upon 1 minus r, तो माइनस माइनस प्लस कितना 1 minus x upon, तो ये देखो ये 1, ये मिल जाएगा 1 plus x upon 2 into ये 1 plus x into बोलो कितना 2, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। देख के लग रहा है कि लंबा जाएगा, पर मेथड से भी जल्दी हो जाएगा और वैल्यू लेके भी कर सकते थे।